गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। सभी महापुरुषों के चरणों में, सिद्ध पुरुषों के चरणों में, पीरों के फकीरों के महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। गुरु पूर्णिमा हमारे लिए सबसे विशेष महत्व रखता है। बाकी के त्योहार अपनी अपनी जगह में इम्पोर्टेंट हैं, पर गुरु पूर्णिमा आपके जीवन में क्रांति लाने वाला दिन है। जीवित गुरु, लाइव गुरु आपकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। आप बिना गुरु के भी कहीं पहुंच सकते हो, पर बहुत कठिन बात। आप गुरु के चरणों में रह करके पहुंच जाओ, ये भी गारंटी की बात नहीं, पर पहुंच सकते हो। गुरु क्या करते हैं आपकी जिंदगी को? गुरु का मीनिंग है अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाला। पर गुरु आपके जीवन में मूल रूप में जो बुनियादी आप बने हैं, दूसरे शब्दों में आधुनिक भाषा में कहूं तो गुरु आपके अंतर का पूरा पूरा सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है। आप एक दूसरी पर्सनैलिटी हो जाते हैं जो आप जानते भी नहीं। कभी कभी हमें भ्रम होता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया, बहुत आगे पहुंच गए, पर हर सॉफ्टवेयर की एक लिमिट होती है और गुरु के सॉफ्टवेयर की कोई लिमिट नहीं है। ऐसी चीजें आपके सॉफ्टवेयर में डाल देता है, आपको पता नहीं चलता कब बदल गई। पर इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, बहुत बड़ी बात है जी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। जो ध्यान है आपका गुरु के साथ सनिध्या होना, गुरु के चरणों में सरेंडर हो जाना, उसकी मूर्ति का ध्यान तो शब्द है, आप उसके साथ एकाकार हो जाना, आपका उसके प्रति विश्वास बढ़ जाना। जैसे गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने जिन गोविंद दियो मलाई। क्या बात होगी जिन्होंने जे लिखा, जिन्होंने जे कहा, हम में ऐसी बात आ जाए, ऐसी भावना आ जाए, हम धन्य हो सकते हैं। और जो आपको गुरु कहें वही मंत्र है, क्योंकि गुरु किसी को कह सकते हैं साकार ध्यान करो, किसी को कह सकते हैं निराकार ध्यान करो, क्योंकि वो पूर्व जन्म को, आपके आज्ञा चक्र को, आपके सभी चक्र को देख करके ही फैसला लेंगे। गुरु कहेंगे आप बेटा अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभा, और उस ड्यूटी को निभाने के लिए क्या कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको दे देते हैं। जब हमें नहीं मिलता गुरु से तो ढूंढना कि हमारी कोई ना कोई कमी है। गुरु पारस की तरह है जो लोहे को सोना बना सकता है, जो मुर्दे को जीवित कर सकता है, जो एक जैसे अच्छा माली, ये देखो आप पौधे देख रहे हो, तो जो अच्छा माली है मुर्दा पौधे में जान डाल देता है उसकी देख रेख करके, उसकी टेक केयर करके, और जो अनाड़ी है उस उनको ज्यादा पानी दे देगा, गल जाएंगे, सड़ जाएंगे, पानी नहीं देगा। तो आप गुरु के चरणों में सरेंडर होकर के, नतमस्तक होकर के, और उनके कहने के मुताबिक चले। आप गुरु के हजार शिष्य हैं तो एक किसी को कुछ कहेगा, किसी को कुछ कहेगा, किसी को कुछ कहेगा, सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता। और आप ऐसी आशा भी नहीं रखना। तो जो भी आपके गुरु हैं आज के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन, उनसे क्षमा मांगे, उनके कहने के मुताबिक चलना शुरू करें। जो भी उनकी गद्दी है, जो उनकी जगह है, उसको प्रणाम करें। और जिनके गुरु की वजह से आप आगे बढ़े हो, आपके ऊपर कृपा हुई है, उनके मार्गदर्शन से कुछ मिला है, तो उनका भी शुक्रिया धन्यवाद करना ना भूलें। गुरुदेव माता रानी आप पे बहुत बहुत कृपा करें। आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई।
आप खुश रहें, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत ब्लेसिंग।